हेलो एवरीवन, आप सबका दिल की गहराइयों से वेलकम बैक। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो इसके बदले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी बहुत फनी है, तो चलिए कहानी पे नज़र डालते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रिच डैड अपने बेटे को कंपनी का सीईओ बनाना चाहता है, पर उसका बेटा तो एरोगेंट टाइप का है जो किसी से नहीं डरता। दूसरी तरफ इस मूवी की हीरोइन चैनशी हीरो से ज़्यादा खतरनाक है। वो एक कातिल हसीना है जो कराटे की मास्टर भी है। वो अकेली 10 बंदों को निपटा सकती है। डैड उसे कहता है कि बेटा, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तुम मेरी इकलौती औलाद हो, थोड़ा पढ़ लिख लो ताकि तुम बिजनेस को संभाल सको। वो कहती है कि क्या डैड, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं, मैं ब्रूस ली बनना चाहती हूँ। अब्बा जी कहते हैं कि बेटा मान जाओ, मुझे तुम्हारे हाथ भी पीले करने हैं, कोई अच्छा सा अमीर ज़्यादा तुम्हारे लिए तलाश करना है। वो कहती है कि नहीं अब्बा जी, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, मैं कवारी मरना चाहती हूँ। अब्बा जी कहते हैं कि अच्छा बेटा, आओ फाइट करते हैं, जो जीता उसकी बात चलेगी। दोनों फाइट करने लगते हैं, अब्बा जी अपनी बाजी जीत जाते हैं। नेक्स्ट डे हम छोटा चेतन जियांग डोंग को कैंपस में देखते हैं। डैड ने उसे यहाँ भेजा है दिमाग की बत्ती को तेज़ करने के लिए। वो कहता है कि क्या यार, डैड ने तो मुझे जहन्नुम में भेज दिया। वो सोच ही रहा होता है कि तभी एक कार उसे कुचल देती है। मज़े की बात ये होती है कि वो कार उसके बॉडीगार्ड्स चला रहे होते हैं। कार टकराए या रॉकेट फटे, मूवी का हीरो भला कभी मरता है, इसी वजह से वो बच जाता है। जियांग डोंग का एक कज़न भी है जिसका नाम अजय है। उसकी भी ख्वाहिश है कि वो कंपनी का सीईओ बने। उसके बाद उसी स्कूल में हमारी हीरोइन चैनशी एंट्री मारती है। उसके हाथ में किसी बॉय की पिक्चर है, पर आधी अधूरी, सिर्फ उसके पीछे वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, यानी के बालों का स्टाइल। वो कहती है कि कमीने इंसान, तुम मिलो मुझसे, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि फ़ोटो कैसे खींचते हैं। चैनशी उसे तलाश करने में लग जाती है। वो एक लड़के को पकड़ के खूब मारती है, पर वो गलत बंदा निकलता है। दूसरी तरफ हमारा हीरो क्लास में बैठा हुआ है, पर गुस्से में आके वो टीचर से ही लड़ पड़ता है। बॉडीगार्ड्स उसे समझाते हैं कि भाई, ये तुम्हारे अब्बा जी के नौकर नहीं जिनको तुम बेइज्जत करोगे, ये स्कूल है, शांति से पढ़ो। ये सुन के वो और भी ज़्यादा गुस्सा होता है और अपना ही हाथ जख्मी कर बैठता है। उसके बाद उसे स्कूल डिस्पेंसरी में जाना पड़ता है। असल कहानी तो अभी शुरू होनी है, जब एक ब्यूटीफुल फीमेल डॉक्टर वहीं आती है तो हमारे हीरो को देखते ही उससे प्यार हो जाता है। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा। डॉक्टर जूली उसकी मरहम पट्टी करने लगती है। हीरो की नज़र उससे नहीं हट रही है, वो उसे देखे ही जा रहा है। वो सोचता है कि ये लड़की तो मेरे सपनों की रानी है, मैं इसे फंसा के ही दम लूँगा। डॉक्टर मरहम पट्टी करके चली जाती है, लेकिन हीरो तो किसी और ही दुनिया में खोया हुआ है। काफ़ी देर बाद वो होश में आता है और कहता है कि कहाँ गई मेरी परी। दूसरी तरफ चैनशी अभी तक आधे फोटो वाले बंदे को तलाश कर रही है, तभी कोई उसके पास से गुजरता है। वो उसे कहती है कि रुक जा चप्पड़ गंजू। हीरो उसे जवाब नहीं देता, जिसके बाद वो गुस्से में आके उसे दीवार पे पटक देती है और कहती है कि क्या तुम बहरे हो, तुम क्यों नहीं रुके, शायद तुम वही कमीने हो जिसकी मुझे तलाश है। लड़की का एटीट्यूड देख के हीरो डर जाता है और कहता है कि मैडम, मैं वो नहीं हूँ। वो कहती है कि अच्छा बेटा, अपनी शर्ट उतारो। वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। वो कहती है कि अब्बे साले, मुझे तुम्हारे जिस्म पे निशान देखना है, तुम्हारे डैड ने मुझे आधी अधूरी पिक्चर भेजी है।
इससे पहले कि वो उसका शर्ट उतारती तभी टीचर वहीं पे आता है। हीरो बच के भाग जाता है पर दोनों फिर से क्लास के अंदर जाते हुए टकरा जाते हैं। टेंजी उसका गिरेबान पकड़ के कहती है कि क्लास के बाद मैं तुमसे मिलती हूँ, दोनों एक ही क्लास में हैं। स्कूल के बाद चेंजी का डैड उसे कॉल करके पूछता है कि बेटा क्या तुम उससे मिली हो। वो कहती है कि नहीं अब्बा जी, पर मैं उससे मिलने को बेताब हूँ। उसके बाद जब जियांग डोंग बेचारा जा रहा होता है तो तभी चेंजी पीछे से उसे बैग दे मारती है और उसका शर्ट फाड़ देती है, जिसके बाद फाइनली उसे पता चल ही जाता है कि जिसे वो ढूंढ रही थी वो नमूना यही तो है। वो उससे कहती है कि अबे देवदास सुन, आज के बाद तुम सिर्फ मेरे हो। ये कह के जब वो चली जाती है तो हीरो सोचता है कि इसका क्या मतलब हुआ कि तुम मेरे हो, क्या होने वाला है मेरे साथ। उसी दिन जब कुछ बदमाश लड़के टीचर को बुली कर रहे होते हैं तो तभी जियांग डोंग आके उसे सेव करता है, लेकिन चेंजी उसे ही पीछे से किक दे मारती है और उसे मारने लगती है। वो समझ रही होती है कि ये टीचर को मार रहा था। वो कहता है कि मैडम पहले देखा करो फिर मारा करो, दर्द होता है। चेंजी शेमफुल फील करती है और सोचती है कि ये मैंने क्या कर दिया। उसके बाद जब मिड टर्म रिजल्ट आता है तो उसमें जियांग लास्ट नंबर पे होता है, पर जब चेंजी वहीं आती है तो वो उसे कहता है कि मैडम ऊपर से नहीं नीचे से देखो और सैड मत हो, अगली बार अच्छा करना। वो हंस के चली जाती है। बॉडीगार्ड्स उसे कहते हैं कि भाई ऊपर देखो, वो तो फर्स्ट आई है, तुम तो दोनों तरफ से जलील हो रहे हो। जियांग डोंग टेंशन में ही होता है कि तभी डॉक्टर उसके पास से गुजरती है, जिसे देख के वो फिर से ख्यालों में खो जाता है। मुन्नू उसे कहता है कि भाई मेरे पास एक आइडिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि हीरो जानबूझ के अपने बॉडीगार्ड से मार खाता है ताकि जूली उसकी मरहम पट्टी करे। इसी बहाने से दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। खूब धुलाई होने के बाद उसे पता चलता है कि ओ नो, डॉक्टर जूली के रूम के बाहर तो उसके बहुत से आशिक खड़े हुए हैं। ओए बाबा, अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बेचारा तड़प ही रहा होता है कि तभी चेंजी वहीं आती है और उसे कहती है कि आओ डार्लिंग, मैं तुम्हारी मरहम पट्टी करती हूँ। चेंजी उसे कस के बांध देती है। वो कहता है कि सुनो, मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ। उसके बाद दोनों फोकस गेम खेलते हैं। जियांग उसे कहता है कि अगर मैं जीता तो तुम मेरा पीछा छोड़ दोगी। चेंजी कहती है कि ठीक है, अगर मैं जीती तो तुम मेरे हो जाओगे। गेम शुरू होते ही दोनों उसे जीतने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन चेंजी उसे हरा देती है। उसी दिन जब डॉक्टर जूली टेनिस खेल रही होती है तो तभी चेंजी उसके पास जाके उसे चैलेंज करती है। दोनों गेम खेलने लगते हैं, पर जब चेंजी स्लिप होती है तो तभी वो देखती है कि जियांग भागते हुए उसके पास आ रहा है। वो खुश होती है, लेकिन हीरो उसके पास से गुजर के उसे इग्नोर करते हुए जूली के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि डॉक्टर मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे चेक करो ना। वो कहती है कि ओके आ जाओ चलते हैं। वो जूली के साथ जा रहा होता है कि तभी चेंजी उसे पकड़ लेती है और कहती है कि कहाँ जा रहे हो मेरी इजाज़त के बगैर। ये धमकी सुन के जियांग डर जाता है। वो जूली से कहता है कि डॉक्टर मैं ठीक हो गया, मैं नहीं चलूँगा। जूली के जाने के बाद चेंजी फिर से उसकी खूब धुलाई करती है। मार खाने के बाद जियांग अपने दोस्तों से कहता है कि मैं तो अपने आप को बड़ा तीस मार खान समझता था, पर मुझे ये आइडिया नहीं था कि मैं ये दिन भी देखूंगा। आगे इस मूवी में बहुत कुछ होना बाकी है, इसलिए इसका लास्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।